वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। इंडियन एयर फोर्स ग्रुप वाई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि एयर फोर्स ग्रुप वाई में जीके का सिलेबस क्या क्या होता है, यानी कि कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। एयर फोर्स में एक सेक्शन होता है रागा का। रागा के अंतर्गत करीब करीब 10-11 या कि फिर कभी कभी 12 या 13 क्वेश्चन भी जनरल नॉलेज से पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और जो चीज़ पढ़ना है वो हम पढ़ाएंगे भी। तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, बस देखते रहिए। यहां पे शुरू करते हैं। फर्स्ट यहां पे देखिए, आपको जो पढ़ना होगा वो है जनरल साइंस। और देखिए, जितनी चीजें हम बता रहे हैं इनको हम एक तो डिटेल में भी बताएंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम डिटेल में भी बताएंगे, और जो कम इंपॉर्टेंट या कि फिर जो डिटेल में बता चुके हैं उसको भी हम ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन दे के, यानी मॉक टेस्ट करा के, उसका प्रैक्टिस करा के आपके साथ वो चीज करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपको वो एग्जाम में कैसे पूछता है वो चीज पता चले, ठीक है। तो आपको देखिए पढ़ना क्या है। जनरल साइंस में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी रोग जो है कि किस बीमारी के कारण होता है, किस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से वायरस से क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। दूसरा जो आता है सेक्शन वो है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में यानी भारतीय संविधान से राष्ट्रपति का जो, इस पे देखिए हम थ्री मार्क लगाए हुए हैं। राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको सभी पेपर में जितने भी एयरफोर्स की एग्जामिनेशन पेपर होते हैं उसमें आपको लगभग लगभग हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से देखने को मिल जाता है, या कि फिर उपराष्ट्रपति से। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति दिया हुआ है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, कैसे क्या उसका, किस प्रकार से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है। तो ऐसे चीज़ें जो है कि ऑप्शनल में वहाँ पे देती हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम पूरा डिटेल के साथ आपको लाइव वीडियो बना के, मतलब वीडियो वाला बना के आपको हम वहाँ पे समझा देंगे। बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। चाहे राष्ट्रपति से पूछे या उपराष्ट्रपति से पूछे, आप बिल्कुल वहाँ पे सही करके आ पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है जियोग्राफी से, यानी कि भूगोल से। भूगोल से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, तो जियोग्राफी में भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी, ऑप्शनल तरीके से भी समझाया जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है हिस्ट्री का। देखिए, हिस्ट्री में ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बौद्ध धर्म से आता है, इस्लाम धर्म से आता है, ईसाई धर्म से आता है, और कुछ ऐतिहासिक तथ्य जैसे आधुनिक इतिहास से भी आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन से। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में सर क्या पूछता है, इसमें पूछता है फुल फॉर्म्स और कभी कभी शॉर्टकट्स की वगैरह, या कंप्यूटर से संबंधित जो भी कुछ योजनाएं टाइप की होती हैं, जैसे कि ट्रिपल सी का यदि आपने एग्जाम देखा होगा तो उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं उस प्रकार से क्वेश्चन आपको कभी कभार इसमें जरूर कंप्यूटर के से देखने को मिलते हैं, खास करके फुल फॉर्म के रूप में वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी आप नेवी का भी एग्जाम दिया होगा, SSR AA, तो उसमें भी फुल फॉर्म्स वगैरह डेली हर एक शिफ्ट में पूछा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी PDF वो सारी चीजें हम कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के जो है, तो आप डेली के बेसिस पे देख रहे हैं, करेंट अफेयर की डेली वीडियो अपलोड की जाती है, उसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो हमने रिसेंटली वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी और सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि करेंट अफेयर में कहाँ से आपको याद करना है। तो करेंट अफेयर में लगभग लगभग आप दिसंबर से लेके फरवरी तक, फरवरी यानी मार्च 10 तारीख तक लगभग लगभग आप पूरा तैयार कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें, जो डाउट्स हैं, जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हम मंथली वाइज, यानी कि दिसंबर का अलग, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, और मार्च 10 तारीख तक का अलग से हम आपको PDF बनाएंगे, उसको समझाएंगे, बताएंगे, सारी चीजें कराएंगे। और जो लास्ट वाला आता है वो मिसेलनियस से आता है। मिसेलनियस से क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार से, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट डेज हो गया, जैसे कि कोई देश हो गया, उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की मुद्रा क्या है, उस देश के राष्ट्रपति क्या कौन है, और 26 जनवरी में कौन से अतिथि बन के आए थे, कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो मिसेलनियस के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये रहा आपके सामने इंडियन एयर फोर्स ग्रुप वाई जीके में इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। इसी में डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे और ऑप्शनल तरीके से भी करेंगे। अपने जितने भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भर डालिए, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो PDF है आज की, जो ये लिखा हुआ है, वो आपको मिल सकता है टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे
आप जाके द सुधीर पांडे टेलीग्राम पे ये द सुधीर पांडे सर्च करेंगे, वहाँ पे अपना चैनल बना हुआ है, ये पीडीएफ वहाँ पे भेज दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस सिलेबस को लिख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तैयारी कुछ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।